तो हेलो दोस्तों, आज द ग्रेट इंडियन फूडी की टीम आ गई है जैविन नान एंड चाप पे, और यहाँ हम इनकी ट्राई करने वाले हैं तवा चाप। तो चलिए सीधा मेकिंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए गाइस, ये जो है तवा चाप की ग्रेवी डल चुकी है। ये देखिए, ये आ गया गाइस अपना दूसरा कंटेनर। ये देखिए, ये कौन से मसाले जा रहे हैं भैया? अच्छा, ये देखिए गाइस, दो तीन तरीके के इनके मसाले चले गए हैं। और ये क्या डाल दिया अब आपने ऊपर से? मसाले। अच्छा, तो ये जो है बाहर के मसाले यूज करते हैं अपनी ग्रेवी वाली चाप के अंदर, जिसे तवा चाप के नाम से फेमस है यहाँ पूरे रोहिणी में, M2K के अंदर। तो इन मसालों को जो है गाइस ग्रेवी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब फ्लेवर आना चाहिए मसालों का बढ़िया तरीके से। ये देखिए गाइस, 50 किलो चाप चली गई है एक बारी में, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है अराउंड गए, ये जो दो अपने जो है कंटेनर गए थे ग्रेवी के, वो अराउंड 50-50 लीटर गए थे। तो 100 लीटर या 100 किलो ग्रेवी जा चुकी है और 50 किलो चाप जा चुकी है। और मसाले वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स होंगे अब गोले की चाप, और आप देख सकते हो चाप एक बार देखिए कितनी परफेक्टली बॉइल्ड है। तो ये देखिए गाइस, ये जो है अब डलेगी देगी मिर्च, और ये हो गया गाइस हमारा तड़का। ये देख सकते हो आप लोग, देगी मिर्च डल गई और तड़का लगेगा पूरी ग्रेवी वाली चाप पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये अब उसको जो है अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो सर ये जो तैयार है अभी और थोड़ी देर पकेगी? अच्छा, थोड़ा और अच्छे से पकेगी। अगर आप फ्लेवर जो है मतलब तड़के का अच्छे से चाप में जो है बिल्कुल घुस जाएगा, और ग्रेवी जो है मसाले से घुल चुकी है बढ़िया तरीके से। ये देखिए क्या ही बढ़िया कलर आ रहा है रोगन, आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर से सारा। ये देखिए गाइस, ये जो अपना नान लग रहा है ऊपर से। ये लग गया गाइस नान अपने, एक बार आप साइज देख सकते हो। कितनी देर में निकल जाएगा ये बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ? ओके, 2 मिनट। 2 मिनट लगेंगे। क्या है आपका? तो भैया बटर कौन सा लगाते हैं उसके ऊपर? अमूल का। अच्छा, ये आ गया गाइस अपना बटर नान। तो चलिए अब आपको टेस्टिंग पार्ट करके दिखाते हैं। चाप जो है कैसे खड़क रही है ये आप लोग देख सकते हैं। भैया ये बिल्कुल तैयार है अब खाने के लिए? और गाड़ी हो जाएगी। अच्छा, और गाड़ी हो जाएगी। तो भैया एक बार लोकेशन बता दीजिए दर्शकों को। तो भैया एक बार लोकेशन बता दीजिए। इसका ये पड़ेगा रोहिणी सेक्टर 3 प्लाजा। अच्छा, और टाइमिंग्स क्या रहती हैं? सुबह 10:30 से रात के। अच्छा, ये देखिए गाइस जो पीसेस है बढ़िया तरीके से गल चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए भाई चाप के पीसेस, देखिए दे रहा। ये जो है गाइस अपनी प्लेट लग रही है। तो भैया एक प्लेट में कितने पीस चले जाते हैं चाप के? 6 पीस और हाफ में 3। अच्छा, तो ये जो अपनी फुल प्लेट है कितने रुपए की है?
210 रुपए की फुल प्लेट है गाइस, जिसमें आपको 6 पीस मिल जाएंगे। और ये जो अपनी गाइस हाफ प्लेट है जिसके अंदर 3 पीस मिलते हैं, वो है अपनी हाफ प्लेट कितने की है? 120 रुपए की। तो ये आ गया है ऊपर से बटर, और ये आ गई है क्रीम, और ये हमारी हो गई प्लेट तैयार। तो चलिए अब टेस्टिंग करके बताते हैं आपको कैसी है टेस्ट में। तो गाइस ये जो है अपने नान आ गए हैं, और ये आ गए भाई अपनी ग्रेवी वाली चाप, तवा चाप के नाम से फेमस है यहाँ पर। एक बार ये आप देख सकते हो मक्खन और क्रीम तो तैर रही है बिल्कुल ऊपर। ये देखिए गाइस कितना ही टेम्परेचर रहा है। तो गाइस सारी चुप्पी नहीं करेंगे तो अलग से साइड में प्लेट में निकाल देते हैं। और चाप जो है आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो एक पीस निकाल लेते हैं, 6 पीस आ जाते हैं गाइस अराउंड। ये जो है अपना थोड़ा सा एक पीस निकाल लिया है साइड में। मैं आपको ट्राई करके बता देता हूँ कैसी है टेस्ट के अंदर चाप। ये ले लें नान की बाइट, एक बार देखते हैं। चाप काफ़ी अच्छे तरीके से गली हुई लग रही है क्या, उतनी काफ़ी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये ले लिए गाइस बाइट, तो ये ले लिए गाइस बाइट। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसी है टेस्ट के अंदर। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है गाइस, मतलब जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में भी, और फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आ रहा है मसालों का इनके। पर चाप में लाइक काफ़ी अच्छी हो सकती थी, चाप थोड़ी जो है काफ़ी लाइक बॉइल्ड अच्छी तरीके से, पर कोई फ्लेवर का स्वाद नहीं आ रहा। पर गाइस ओके, आप यहाँ पर अगर ट्राई कर सकते हो जैविन आनंद चाप पर, M2K रोहिणी में पड़ता है गाइस ये। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।